खरगोन में एक बार फिर एक और 11 का कमाल देखने को मिला, जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक कन्या विवाह में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने शिरकत की। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वर्चुअली जुड़ना और प्रभारी मंत्री कमल पटेल का विवाह के इंतजामों में जुटना, दोनों नेताओं की जोड़ी जोरदार का सीन भी देखा गया। इस कन्या विवाह सम्मेलन में 51 कन्याओं का कन्यादान किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। खरगोन में एक बार फिर दिखी जोड़ी जोरदार। मुख्यमंत्री शिवराज और मंत्री कमल पटेल की जबरदस्त केमिस्ट्री। भोपाल से मामा शिवराज ने दिया आशीर्वाद। खरगोन में मंत्री मामा कमल पटेल ने निभाई जिम्मेदारी। 51 कन्याओं के कन्यादान के साक्षी बने शिव कमल। प्रदेश के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल शनिवार को खरगोन में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक कन्या विवाह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम एक नहीं बल्कि 51 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं। हमारे धर्म में लिखा है कि अगर हमने मनुष्य का जीवन जिया है और कन्यादान नहीं किया है तो हमारा जीवन निरर्थक है और उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। जिसकी बेटी नहीं होती है वो बेटी गोद लेकर या भांजी या फिर तुलसी का विवाह कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसीलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं जो एक बार में इतनी सारी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक समय है जो आदर्श सामूहिक कन्या विवाह में भागीदारी कर रहे हैं। यह सौभाग्य हमें मध्य प्रदेश शासन की योजना और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बदौलत मिला है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि एक कन्या का विवाह करने से व्यक्ति का जीवन सार्थक भी होता है और ये लोग और परलोक सुधरता, स्वर्ग में स्थान मिलता है। जिसकी बेटी नहीं होती है वो ब्राह्मण गरीब की बेटी का कन्या विवाह कराता है, भांजी का विवाह कराता है या फिर तुलसी विवाह कराता है, तब जाकर उसका जीवन सार्थक होता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम कितनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने 51 कन्याओं का विवाह हो रहा है। सभी 51 कन्याओं के पैर छूकर, उनके पूजा करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लिया, उनको कन्यादान किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कितना पुण्य, और ये पुण्य जो मिल रहा है सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को या कमल पटेल को या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि उनको नहीं मिल रहा, बाकी उन सबको मिल रहा है जिन्होंने कमल के फूल के बटन दबाई और कमल का फूल खिलाया, जिसके कारण सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके कारण आज पूरे देश के अंदर परिवर्तन आ रहा है। गरीबों के मकान बन रहे हैं, स्वच्छ हो रहा है, जितने भी अच्छे पुण्य कार्य हो रहे हैं उसके लिए जनता की भागीदारी, सही जगह वोट दिया उसका परिणाम है। और इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, प्रदेश की जनता को जिन्होंने कमल खिलाया जिसके कारण ये व्यवस्था हुई। नहीं तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कहीं होता था क्या? कहीं एक शौचालय बना था क्या? किसी को एक मकान मिला था क्या? कहीं एक घर के पीने के पानी की व्यवस्था थी क्या? बिजली की व्यवस्था थी क्या? सड़क कुछ नहीं था। और जो कुछ हो रहा है ये 8 साल में भाजपा की सरकार, इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता। जनता अगर जागरूक है, सही जगह अपने वोट का उपयोग करती है तो ऐसे परिवर्तन आते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह से गरीब माता पिता की चिंता खत्म हो गई। पहले बेटी अभिशाप थी, अब वरदान बन गई। अब बेटी के पैदा होने से नाक नहीं सुकुड़ती महिलाएं, बल्कि खुशियां मनाती हैं, क्योंकि पैदा होने से लेकर लाली लक्ष्मी, जननी सुरक्षा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, गाँव की बेटी योजना, हर तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतनी कन्याओं का कन्यादान करने का अवसर हमको मिला, आप सबको भी मिला, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने भी वर्चुअली आशीर्वाद देकर विवाह सूत्र में बंध रहे जोड़ों को मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो वहीं मंत्री कमल पटेल ने भी मामा की भूमिका को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और दंगा प्रभावित खरगोन जिले में एक नई परंपरा की शुरुआत की। इस आयोजन की भव्यता को देखकर क्षेत्र की जनता ने भी शिव कमल की जोड़ी को जिले के लिए सौभाग्य का सूचक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, खरगोन।